मधवापुर प्रखंड के पहिपुरा गांव के पास पहिपुरा से सलहा जाने वाली सड़क के निर्माण को लेकर लोजपा चिराग गुट के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को उच्चैठ बसवरिया मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार, स्थानीय विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रकट किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे लोजपा चिराग गुट के हरलाखी विधानसभा के युवा नेता अजीत यादव ने कहा कि आजादी के बाद से यह सड़क उपेक्षित रही है और अब तक निर्माण नहीं किया जा सका है, जबकि यह सड़क मधवापुर और बेनीपट्टी दोनों प्रखंडों को परस्पर जोड़ने का काम करती है। इस गांव के आसपास के अब तक कई लोगों को विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन अब तक इस सड़क के निर्माण की दिशा में कोई भी पहल नहीं किया है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि खासकर बरसात के दिनों में लोग घुटने तक कीचड़ से होते हुए सलहा गांव से पहिपुरा तक पहुंचने को अधिसक्त है। वक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर फेल होती नजर आ रही है। अगर जल्द ही सड़क निर्माण की दिशा में सक्रिय पहल नहीं होगी तो लोजपा चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होगी। उधर सड़क जाम होने से घंटों तक यातायात बाधित रहा। सड़क के दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। राहगीर परेशान और फिलहाल शाम के 3 बजे तक सड़क जाम की स्थिति बनी हुई थी। जाम की सूचना पर पहुंचे सहारघर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, एसआई अभिषेक आनंद एवं एएसआई अनिल कुमार सिंह वार्ता की पहल कर जाम समाप्त करवाया। इधर जाम के कारण पूरे दिन राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग कपकपाती ठंड में पैदल जाने को विवश दिखे। परीक्षा में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों को भी भारी फजीहत उठानी पड़ी। मौके पर मनोज मंडल, सतिया देवी, प्रभात रंजन, दीपक कुमार, शशि मंडल, अमरनाथ मंडल, आलोक यादव, विक्रम कुमार, नीतीश कुमार, सत्तो कुमार, दीपक मंडल, दयाशंकर यादव, शंकर गुप्ता, देवचंद शर्मा एवं धर्मवीर यादव समेत लोजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कारण है सड़क जाम किए हुए हैं? कारण यही है कि ये मुख्य मार्ग सलहा अधवारी और आपका देवत और ठीक क्या कहते हैं ये किसियाही, ये मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग में कोई काम नहीं हुआ। 17 साल नीतीश जी को भी हो गया, एक ढेला का काम नहीं हुआ और यहाँ ग्रामीणों को इतनी परेशानी होती है। बाढ़ इलाका है और थोड़ा सा भी बारिश होता है तो इस रोड पे चलने लायक नहीं होता है। यहाँ कभी भी कोई भी पेशेंट किसी का डिलीवरी का हो, कुछ भी हो, इतनी परेशानी होती है। ग्रामीण की इतनी समस्या देखे, ग्रामीण में इतना आक्रोश है कि ग्रामीण ने बोला किसी से चक्का जाम करना है, जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग ये सड़क बिल्कुल खाली करा के आनी है। कितने दिनों से समस्या है? समस्या रोड बना ही नहीं है, कम से कम 17-18 साल हो गया, रोड जों को तो है। स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? सांसद विधायक, सांसद अशोक यादव जी है, वो जब भी आते हैं बोलते हैं कि मैं बनाऊंगा, जब भी आते कि मैं बनाऊंगा, आश्वासन देके यहाँ के ग्रामीण को दे जाता है। 2 बार वोट लेके भी गया है यहाँ से विधायक सुधांशु शेखर है। जब भी वोट मांगने आता है तो ग्रामीण सबसे पहले आवाज उठाता है कि हमें सबसे पहले रोड चाहिए, तो वो आश्वासन देता है और कि मैं इस बार जीतूंगा तो जरूर बनाऊंगा। इस बार भी वोट लेके गया और इधर दोबारा आया नहीं। तला निवासी ग्राम बासिंद 3000 मेरे गाँव में मतलब की आदमी का दुसंख्या है। ये रोड करीब 35 साल हमारा उम्र हो गया, 35 साल से इसी तरह देख रहा हूँ हम लोग। मतलब कि थोड़ा सा भी बारिश हो जाता है तो गांव का चारों साइड से रास्ता ब्लॉक हो जाता है, आना जाना पैदल मतलब कि मुश्किल हो जाता है सर रास्ते पे। अच्छा। और प्रशासन को मतलब कि 3 बार हाईवे हम लोग जाम कर चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और इसके बाद में आवेदन विधायक जी से बात करते हैं तो विधायक जी बोलते हैं अब हो जाएगा तो अगले महीने से काम चालू होगा, तो 6 महीने से काम चालू होगा, लेकिन इतना करते करते 7 साल उनका भी हो गया है विधायक में, अभी तक कोई इसके पर निर्णय नहीं लिया अभी। अच्छा, तो सर यही है हम लोग से ग्रामवासी से निवेदन कि हमारे सड़क जो है इसको बनाना चाहिए। अच्छा, कितने देर से आप जाम कर रहे हैं यहाँ? सर हम 12 बजे जाम किए थे। हाँ, 12 से 3 बजे तक जाम करेंगे। अच्छा, इसकी सूचना अधिकारियों को है? जी सर, मैं परमिशन ले रखे है एसडीओ साहब से, परमिशन का कागज है यार मेरे पास। हाँ, जो मतलब परमिशन कल लिए थे, सारे दिन लगे थे उसने, फिर मैंने घेराव किया है कि नहीं सुनवाई हुई। अब तक वार्ता के लिए कोई आया है कि नहीं? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया है। अभी 1.5 घंटे हो गए, अभी तक कोई प्रशासन ना तो कोई नेता यहाँ का कोई नहीं आया अभी तक सर। अच्छा, जब तक वार्ता नहीं होगी आप लोग जाम नहीं खोलिएगा? नहीं सर, नहीं, जब तक हमारा सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग जाम नहीं खोलेंगे सर। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।